एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड चैप्टर चल रहा है हमारा, दिखा दो कौन सा चैप्टर चल रहा है। सो गिली गिली छू, चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट सीबीएसई ने इसको काट दिया है, इसको छोटा कर दिया है, तो हमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ने हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बढ़िया से अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो आपकी लास्ट क्लास थी, जिसे आपका सेकेंड लेक्चर है, तो जो आपका पहला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके बारे में, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की, जैसे वो टेट्रावेलेंट होता है, कैटिनेशन शो करता है कि भाई कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल क्यों है। तो उसकी वर्सेटिलिटी का जो रीज़न है वो हमने पढ़ा था, जो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से निपटा दिया था। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, मैंने कोशिश करी कॉमेंट सेक्शन में क्लियर करने की, अगर फिर भी किसी के डाउट्स हैं तो छाप देना, आज के कॉमेंट्स में लिख देना और फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उन्हें, ठीक है। चलिए तो फिर जल्दी से अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या, अच्छा एक बारी पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज आए दिन नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता चलना चाहिए भाई कौन मैडम है ये जो इतना बढ़िया पढ़ा रही है। तो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति राठी और केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। ये भी मैं हूँ ओके। चलिए आज का एजेंडा क्या है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, जिसमें एलोट्रॉपी क्या है मैं आपको ये समझाऊंगी, उसके बाद कार्बन के जो जो एलोट्रॉप्स है जैसे डायमंड ग्रेफाइट एंड डायमंड ग्रेफाइट एंड जो तीसरा है अपना बक मिनिस्टर फुलरीन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टडी टिप्स भी एक बारी फटाफट से देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में समझा दिया है बट आए दिन नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए आई एम अगेन रिपीटिंग। आपको बेटा नोट्स नोट डाउन करने हैं, जो भी चीज़ मैं कहूँ कि आपका स्टार पॉइंट होगा, उस स्टार पॉइंट मीन्स अटरली इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, तो वो स्टार पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आपको वो लिखने नहीं है, वो आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करने हैं। तो बेटा मेरी क्लास में अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है और एक कॉपी लेके बैठ जाना जिसमें सारे नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्लास में सुनना है, किसी भी प्रकार की स्पैमिंग नहीं चलेगी। देखो तुम समझदार हो यार, 10वीं क्लास है, बड़े हो गए अब तुम लोग, ठीक है। सो किसी भी प्रकार की स्पैमिंग नहीं करनी है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। तुम्हें मेरी तारीफ करनी है, तुम्हें कुछ भी पूछना है, तुम्हें बोला मैं हवा में इतना अच्छा क्यों बढ़ाती हो, ऐसी चीज़ें भी तुम्हें पूछनी तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं भाई। अब सबसे पहले मुझे चाहिए कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दें। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आई है उसका मुझे पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। असर्शन रीजन आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो ये एक असर्शन एंड रीजन है जिसका आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रिक बताती हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताती हूं, सबसे पहले बेटा क्या देख, असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो करेक्ट है या नहीं, फिर ये देख रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। अब तुम्हें ये चेक करना है कि जो ये रीजन है ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, तो क्या करो असर्शन के बाद बिकॉज लगा दो, बिकॉज लगाने के बाद ये रीजन वापस से पढ़ो एंड चेक करो ये करेक्ट है या नहीं। एक बार ये ट्राई कर, आधा अधूरा जितना समझ में आया है उसको लगाओ, उसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी इसको कैसे करना है, ओके। करिए पढ़िए असर्शन में क्या लिखा है, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल, रीजन में क्या स्टेटमेंट लिखी है, कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड दस फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या मतलब हो सकता है इसका, क्या हमारा असर्शन करेक्ट है या नहीं, क्या रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो करेक्ट है या नहीं। ऑल ऑफ यू क्या है बताओ ना, क्या करेक्ट हो सकता है। चलो आई विल गिव यू 10 seconds, करो, मैं साइड में हट जाती हूँ थोड़ा, अपना टाइम लेके करो इसको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो सबसे पहले चेक करते हैं कि असर्शन करेक्ट है या नहीं। असर्शन में लिखा है कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, और ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भैया 118 एलिमेंट्स होते हैं एंड आउट ऑफ दोज 118 एलिमेंट्स कार्बन ही ऐसा है जो 100-100 लेवल तक कैटिनेशन शो कर सकता है। सो जो ये असर्शन में स्टेटमेंट लिखी है ये तो करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है,
कार्बन हैज स्मॉल साइज, कार्बन का छोटू साइज होता है, और उसके कारण जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रीज़न में जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी करेक्ट है। तो हमने दो चीज़ें डिकोड कर ली यहाँ पर ना, ये ना एक वो है मतलब एक कोड है जिसको हमें डीकोड करना है। क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, बस एक कोड होते हैं जिसको हमें डीकोड करना होता है। तो असर्शन डीकोड कर लिया हमने, रीज़न डीकोड कर लिया। अब ये देखना है कि क्या ये रीज़न इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक गोल्डन ट्रिक। क्या कर बेटा, असर्शन के बाद ना बिकॉज लगाओ एक बारी। असर्शन के बाद बिकॉज लगाया, अब स्टेटमेंट को वापस से साथ में पढ़ो। मैं बताती हूँ कैसे। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड दस फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। सेंस बन रहा है ना थोड़ा कि थोड़ा कि भाई जो कार्बन है हमारा वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है क्योंकि साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बिकॉज लगाओगे ना, तो बिकॉज लगाने के बाद चीज़ें सेंस बनाने लग जाएंगी, यानी कि मेरा असर्शन भी करेक्ट है, मेरा रीज़न भी करेक्ट है, और जो मेरा रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, है ना। अगर ये वाला नहीं आया, डू नॉट वरी, एक और है, उसको खुद से ट्राई करना, ये बिकॉज वाली ट्रिक लगा के कोई भी असर्शन रीजन सॉल्व हो जाएगा इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन हैज द अबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन्स कॉल्ड कैटिनेशन। तो क्या करना है बच्चे, एक सीक्वेंस फॉलो करना है बच्चा आपको। आपको पहले चेक करना है कि असर्शन करेक्ट है या नहीं, फिर आपको चेक करना है कि रीजन करेक्ट है या नहीं, फिर आपको ये चेक करना है कि क्या ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, लास्ट क्लास में सारी चीज़ें कवर हुई हैं एंड हो जाएगा, ठीक है। टेक योर टाइम, मैं साइड हट जाती हूँ। ऑल ऑफ यू टेक योर टाइम, शाबाश, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, वेरी गुड। ये मेरे सर के पीछे छुप रहा है तो थोड़ा और साइड हो जाती हूँ। रिवाइज तो करी थी ना लास्ट क्लास, ऐसा तो नहीं है ना बस स्वाति मैम को देखने के लिए आए, क्लास पढ़ी और चले गए। चले चलिए, शाबाश। अब देखते हैं असर्शन करेक्ट है नहीं। असर्शन में लिखा है कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन चेक करो, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स कॉल्ड कैटिनेशन। ये तो भैया आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये कि ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो भी करेक्ट है। अब मैं ये कैसे चेक करूँ कि जो ये रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, बिकॉज लिख के देखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर बिकॉज, और उसके बाद वापस से अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स बिकॉज कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेंस भी बन रहा है इसका, यानी कि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। भाई क्या बात है भाई, सारे बच्चों का यही जवाब आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, नॉट द लाइव चैट में। देखते हो तुम लोग लाइव चैट में आंसर लिख के छोड़ देते हो, मुझे नाम कैसे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा मचा रहा है, लाइव चैट नहीं दिखती बाद में, ठीक है। तो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देंगे, भाई हमें भी तो पता चले हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो जाके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। ओके जी, चले आगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कन्फ्यूजन कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। देखो अब तक ये चैप्टर आप बहुत सारी जगहों से खुद से भी पढ़ चुके होंगे, बट अगर अब भी मैं तुमसे यूँ पूछ लूँ ना कि एलोट्रॉप्स में क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें सेम रहती है, तुम अब भी कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं जैसे अभी तुमसे पूछ रही हूँ कि एलोट्रॉप्स हैव
ए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, बी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, सी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर डी नन। तो अभी भी ना मतलब ऐसे नहीं कि तुम यू चुटकियों में एकदम फट से जवाब दे दोगे, टाइम लगेगा तुम्हें थोड़ा सोचने में, बिकॉज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ गए हैं, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। एलोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है दिखने में। स्ट्रक्चर क्या होता है, जो देखने में, जैसे तुम्हें मैं दिखने में जो दिख रही हूँ वो स्ट्रक्चर है मेरा, कि भाई हमारी मैम के हाथ ऐसे हैं, हमारी मैम के बाल ऐसे हैं, हमारी मैम की नाक ऐसी है, सो दिस इज माई स्ट्रक्चर। तो जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट होते हैं, जो दिखने में डिफरेंट होते हैं, फॉर्म ऑफ अ सिंगल केमिकल एलिमेंट, एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसोटोप्स डिफरेंट टॉपिक है, एलोट्रॉप्स डिफरेंट टॉपिक है। आइसोटोप्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आपके अपकमिंग चैप्टर 5 में, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं थोड़ी सी थैवस रखनी होगी, तो थोड़ी सी थाम्बा थैवस रखते हैं, वो 5th चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी आपको। सो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के ही एलोट्रॉप्स होंगे, जब सेम एलिमेंट ही डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में होगा, एक ही एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, उसको हम एलोट्रॉप्स कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहेंगे। जैसे मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी थी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इटी आ गया ना पीछे, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, एक से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी होगी ना, उसको हम एलोट्रॉपी कहेंगे, और उस एलिमेंट के जो वो होंगे उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहेंगे। सो एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी एक ही चीज है, बस उसको हम अलग अलग रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। एलोट्रॉपी बस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एक अलग अंग्रेजी का नाम दे दिया हमने। इंग्लिश इज अ टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज योर स्टार पॉइंट, तो सारे के सारे इसको वो कर लो, अंडरलाइन कर लो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। डिफरेंट फिजिकल बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन है, ठीक है, तो जो मेरी बहन है वो मुझसे शक्ल वाइज तो थोड़ा अलग दिखेगी ना, ऐसे तो नहीं डिट्टो मेरी कॉपी होगी, इट्स लाइक स्वाति मैम को ही कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, शक्ल डिफरेंट दिखेगी उसकी। बट उसका जो, उसकी जो जीन्स है, बायो में तुमने पढ़ा है ना कि सिंस मतलब हमारे पेरेंट्स सेम है, तो हमारी बहुत सारी जीन्स जो हैं वो सेम सेम सी होगी, हमारा बहुत सारा जो DNA है वो सेम सेम सा होगा, ठीक है, बिकॉज वो मेरी ही सगी बहन है, मेरी रियल सिस्टर है, हम दोनों के पेरेंट्स सेम हैं। तो हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब शक्ल, हाइट, बाल का कलर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आंखों का कलर थोड़ा अलग हो सकता है, लाइक आई हैव गॉट ग्रीन आईज, शी इज गॉट ब्राउन आईज, ऐसी चीजें हैं। सो दीज आर लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट अगर अंदर से देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी हम दोनों की सेम है, बिकॉज वी हैव दी सेम पेरेंट्स, ठीक है। सो एलोट्रॉप्स में भी ये होता है कि ये दिखने में अलग अलग होते हैं, ये दिखने में अलग अलग होते हैं, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम की सेम रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। मिनिस्टर नहीं है, मिंस्टर है, MINSTER, ठीक है। एक बारी जल्दी से इस पूरे के पूरे को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ, इसको एक बारी पढ़ लीजिए, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें पढ़ाती जाऊँ और तुम्हें कुछ समझ में ना आए, मेरे को ये चाहिए कि साथ साथ मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम भी खुद से उसको रीड कर रहे हो, ताकि फिर तुम जाके कॉमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सको, ओके जी। चलिए साइड हट जाते हैं, वहाँ पर आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अरे ऑल ऑफ यू कर लिया बेटा नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, कर लिया ना सारे बच्चों ने नोट डाउन, यहाँ पे स्टार बना देते हैं।
डिफरेंट फिजिकल, फिजिकल मतलब जो हम देख सकते हैं. देख, यार मैम की हिंदी थोड़ी वो है, ख सकते हैं. अच्छा चलो, मेरे को एक सवाल पूछना है तुमसे, तुम मुझे बताओ, जो ये एलोट्रॉप्स होते हैं, यार ये हैं की स्पेलिंग ठीक है? या देखो, ये देख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर ये है कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं, तो तुम लोग प्लीज करेक्ट कर लेना इसको. मैं ना इंग्लिश में उसमें ही लिख देती हूँ. हाँ चलो, मेरे को ये बताओ, जो ये एलोट्रॉप्स होते हैं, ये सेम फेज में होते हैं या डिफरेंट फेज में होते हैं? जैसे कार्बन के ये तीन एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, ये सारे के सारे सेम फेज में होंगे या मैम डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे? क्योंकि एक बारी ना मैंने मेरी क्लास में पूछा था कि यार मेरे को ना एलोट्रॉप्स का कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, या अदर देन दीज थ्री कोई एग्जांपल बताओ. तो बहुत से बच्चे कहने लगे कि मैम जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जब वाटर हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसको जमा दो वो आइस बन जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, एंड जब उसको हम वो कर देंगे भाप बना देंगे तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा आपका, स्टीम. बेसिकली वेपर नहीं लिखते, स्टीम लिखते हैं. मतलब बच्चों ने बोला था कि मैम वाटर, आइस एंड स्टीम, ये एलोट्रॉप्स होंगे. तो तुम्हें क्या लगता है, ये सही है, वाटर, आइस एंड स्टीम, क्या मैं इनको एलोट्रॉप्स मान सकती हूँ? क्या इनको मैं एलोट्रॉप्स मान सकती हूँ? आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल मान सकते हैं. यहाँ पर जो इनका केमिकल नेचर है वो तो सेम है, यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, बस फर्क क्या है कि स्टेट्स डिफरेंट होंगे. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड अग्री कि यस मैम ये एलोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हो सकता है. एलोट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ये आसान है कि भाई केमिकल नेचर सेम है, उसके अलग अलग रूप है. बट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत ही बड़ी कमी है कि स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट चेंज नहीं होनी थी, स्टेट चेंज नहीं होनी थी. एलोट्रॉपी का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि स्टेट सेम रहे. डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, एंड बकमिंस्टर फुलरीन भी सॉलिड है. सो द स्टेट नीड टू बी सेम. ये आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पर मेंशन नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं उनके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं? नहीं, एलोट्रॉप्स जो होंगे वो सेम स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे. तो मैं यहां पर एक और स्टार पॉइंट लिख देती हूं, ऑल एलो ट्रॉप्स शुड बी प्रेजेंट. ये मैंने प्रेजेंट लिखा है, तुम पूरा PRESENT लिखना, इन द सेम स्टेट. स्टेट सेम रहेगी बेटा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अब हम अलग से बात करते हैं हमारे डायमंड के बारे में, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हीरे के बराबर है, वैसे ही डायमंड के बारे में बात करेंगे. पहला पॉइंट, डायमंड इज फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन मेंटल. कहते हैं ना कि जैसे एक मोटिवेशनल कोट्स होते हैं बहुत सारे कि कोई नहीं, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोयले और उसमें हीरे में बस यही फर्क होता है कि हीरा बहुत ही हाई प्रेशर के अंडर फॉर्म होता है. तो अगर तुम बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंडर हो, चिंता मत करो, तुम कोयले से अलग हो, तुम एक हीरा हो. हीरा ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर में नहीं रहना चाहिए. प्रेशर सिर्फ डायमंड के लिए अच्छा है, हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं है. चिल होके, आराम से, फ्री होके पढ़ाई करनी है. आई बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दी अर्थ्स एटमोसफेयर बाई डीप सोर्स लावा. डीप सोर्स लावा क्या होता है, दिखाते हैं आपको एक बारी. ये आपकी अर्थ की मैंने बताया था ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, मेंटल होता है, और अर्थ का क्रस्ट होता है. तो जो ये अपने डायमंड होते हैं ना, ये मेंटल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. अब ये मेंटल से अर्थ की क्रस्ट में कैसे आए? तो जो ये इनर कोर होता है ना, सॉरी ये आउटर कोर, इनर कोर, इनमें ना वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. मेनली आउटर कोर में वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं. तो वॉल्केनो जब एकदम जैसे फटता है तो वो मेंटल से
हीरे को अर्थ के क्रस्ट पे ले आता है और फिर हम माइनिंग करके उस हीरे को निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में, बेसिक एसएसटी में पढ़ा ये तुमने। तो डायमंड के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में जाके बनता है, अर्थ के एटमोसफेयर पे, अर्थ का एटमोसफेयर बोलो या अर्थ का क्रस्ट बोलो, चलो एटमोसफेयर बोलू या मैं क्रस्ट बोलू, अर्थ के क्रस्ट पे कैसे आता है, डीप सोर्स लावा से आता है। व्हेन वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स कंटेनिंग डायमंड कम टू दी अर्थ सरफेस और अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, आजकल ना बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज चल रही है जिसमें तुम लोग ब्रेड से भी डायमंड बना सकते हो। बेटा डायमंड्स जो होते हैं, जो ऐसे अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं, उनको तो हम नेचुरल डायमंड्स बोलते हैं, बड़े महंगे होते हैं और भाई गंद महंगे होते हैं। अब यार डायमंड का बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर यूज़ होता है, जो ग्लास इंडस्ट्री है जहाँ पे खिड़कियाँ बनती है या जहाँ पे कांच बनता है वहाँ पर काम होता है। अब वहाँ पे नेचुरल डायमंड तो कोई लेगा नहीं वरना लुट जाएगा बंदा, तो क्या करते हैं, लैब में भी डायमंड्स बनते हैं जिनको हम सिंथेटिक डायमंड्स कहते हैं। अब ये सिंथेटिक डायमंड्स कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी चीज़ लो उसको बहुत ही अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रखो, वो डायमंड में फॉर्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो, ब्रेड का टुकड़ा हो, राख हो, कुछ भी हो, उससे तुम डायमंड बना सकते हो। ओके, बहुत आसान है डायमंड बनाना, मेरे बच्चे बना के दिखाएंगे बढ़िया सा, है ना। चलिए, डायमंड कलरलेस होता है, शाइनी सब्सटेंस होता है, ये सिर्फ हमें रीड मानना है। डायमंड इज दी हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। अब यार हम लोग जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स ना बड़ी तानमान से होते हैं, बड़ी ना कमज़ोर से होते हैं, बट उसमें एक्सेप्शन है डायमंड का। डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो डायमंड एक नॉन मेटल का बना हुआ होने के बावजूद सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो इट इज दी हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अगेन हैव दिस प्रॉब्लम कि मैम जैसे ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है तो क्या डायमंड भी गुड कंडक्टर होगा, तो इसको भी आप स्टार पॉइंट बना लीजिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको दे दिया हमने स्टार पॉइंट। इट हैज एक्सट्रीम ब्रिलियंट थर्मल कंडक्टिविटी मोर देन कॉपर, इसलिए इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है इसकी। जो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करने की क्षमता, थर्मल जहां पर भी शब्द यूज होना तो हीट रिलेटेड होगा, ठीक है। सो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कॉपर से भी बढ़िया होती है, बट सिंस ये महंगा होता है तो इसको हम लोग हमारे घर के तारों में यूज नहीं करते हैं। मान के चलो तुम्हारे घर में हीरे के तार हो, भाई चोर की क्या तो मौज हो जाएगी ना, बट कॉपर सस्ता होता है, इतने ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होती अगर तार चोरी हो जाए, तो इसीलिए डायमंड की जगह कॉपर के वो बनते हैं। क्या पता मुकेश अंबानी के घर में हो या डायमंड के, सोचो यार उसके घर में डायमंड के तार हुए तो कितनी तो गजब चीज़ होती है, लाइक इमेजिन बींग सो रिच दैट यू हैव डायमंड के तार इन योर घर। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो बढ़िया से, तुम भी बनोगे फिर। डायमंड के तार घर में रखने हैं कि नहीं रखने हैं, रखने हैं तो पढ़ना पड़ेगा फिर। ओके, ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यार देख, डायमंड जो है हमारा किससे बना है, कार्बन से ही बना है, तो यहाँ पे मान के चलो कि ये डायमंड है मेरा, ये सुंदर सा डायमंड है, इस डायमंड को मैं हीट कर रही हूँ। जब भी किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो जब मैं डायमंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूँगी तो एक गैस निकलेगी, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस इक्वेशन से प्रूफ होता है कि डायमंड में केवल कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट हाउ कैन यू प्रूव दैट डायमंड हैज ओनली कार्बन, हाउ कैन यू प्रूव दैट डायमंड हैज ओनली कार्बन। तो भाई जब हम डायमंड को बर्न करेंगे तो हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो ये ऑक्सीजन है ये तो हमने खुद ने सप्लाई करी है, और जो ये कार्बन है ये इस डायमंड से आया है। तो इससे प्रूफ होता है दैट डायमंड हैज ओनली कार्बन। आगे बात समझ में, तो ये तो इसकी हमने छोटी मोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। एज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, इसका सिंबल सी होता है, तो इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिखोगे तो ये ऐसे होगी, सी प्लस ओ टू सी ओ टू ब्रैकेट में गैस, यहाँ पे सॉलिड लिखूंगी क्योंकि डायमंड सॉलिड है, यहाँ पे गैशियस। आगे चलते हैं,
डायमंड इज अ कलरलेस शाइनी सब्सटेंस. अच्छा ये सेम बारी, आगे रुको, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. एज अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जायंट मॉलिक्यूल. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. डायमंड क्रिस्टल इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स. ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. अगेन अनदर स्टार पॉइंट ऑल ऑफ यू. एक और स्टार पॉइंट आ गया भाई आप लोगों का. यहाँ पे स्टार बना देते हैं हम. पहला पॉइंट तो क्या है कि भाई जो डायमंड है वो एक बहुत ही जायंट, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है उसका. मतलब अगर बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इट इज़ अ वेरी जायंट मॉलिक्यूल. एंड हर एक कार्बन जो है इट इज साइमल्टेनियसली अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन. जैसे एक कार्बन है, फिर ये 4 अलग अलग कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है. सो ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन. स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, 2 मिनट दो, सब क्लियर हो जाएगा. This extreme bonding makes the structure of carbon very rigid. अब देख, जैसे मैं कोई भी कार्बन का उठाऊँ, मैं कोई भी कार्बन उठाऊँ, जैसे सपोज मैंने ये वाला कार्बन उठाया, ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे ये कार्बन 1 इससे जुड़ा है, 2 इससे जुड़ा है, 3 इससे जुड़ा है एंड 4 इससे जुड़ा है. कोई भी कार्बन आप उठा के देख लोगे ना, इट इज़ अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन. देख, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है. और हो क्या रहा है डायमंड में कि कार्बन चारों के चारों बॉन्ड्स फर्दर कार्बन के साथ, उसके बाद फिर ये कार्बन भी और कार्बन के साथ बनाएगा, उसके बाद ये भी और के साथ. तो ऐसे ना बॉन्डिंग चलती जाती है. सो डायमंड में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता. इस कार्बन के देखो, जैसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए, इस वाले कार्बन के भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए, इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए. तो डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता था और हर एक कार्बन चारों के चारों बॉन्ड्स कार्बन के साथ ही बनाता है. एक भी हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता. स्ट्रक्चर देख के क्लियर हो रहा है आप लोगों को. जैसे ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सपोज जैसे ये कार्बन है, 1, 2, 3, 4 चारों के साथ बना रहा है. और ये जितनी भी ब्लैक बॉल्स दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी हमारी कार्बन है. सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन. ये स्टेटमेंट में बारी बारी, मैंने 3-4 बारी क्यों रिपीट करी है, क्योंकि ये असर्शन रीजन में पूछी जाएगी तुमसे. यूं आ जाएगा कि डायमंड में ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन. तुम नंबर पे नहीं फोकस करोगे, तुम नंबर देखना भूल जाओगे. तो ये याद रखना है कि ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन. हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है और वो चारों के चारों बॉन्ड्स कार्बन के साथ ही बना रहा है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बेटा जी, समझ में? आगे चलते हैं. अब ये देखिए, जैसे ये देखो, मैं कोई भी कार्बन उठा लूँ यार, हर एक, जैसे ये कार्बन है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से. मैं सपोज ये वाला उठा लूँ, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से. मैं ये वाला उठा लूँ, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से, हर एक बना हुआ है. और जितने भी ये बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है. कोवलेंट बॉन्डिंग के अलावा कोई भी बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है डायमंड में. ग्रेफाइट का केस टोटली डिफरेंट होगा, इसलिए फोकस से पढ़ो. डायमंड में कोवलेंट बॉन्डिंग के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है. ग्रेफाइट में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा, विच ऑल ऑफ यू माइट हैव गेस्ड अभी तक, बट मैं ग्रेफाइट में ही बताऊंगी. ठीक है, ये क्लियर है सबको? एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलते हैं फिर आगे. अब हम लोग बात करते हैं भाई ग्रेफाइट के बारे में. ग्रेफाइट बहुत ही ऐसी कॉमन चीज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं. भाई डायमंड इतना महंगा रोज़ नहीं देख पाते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं लास्ट मैंने कब डायमंड देखा था. बट पेंसिल को तो हम रोज़ ही देखते हैं. पेंसिल में प्रेजेंट रहता है हमारा ग्रेफाइट. ठीक है, अब देखो, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है. ग्रेफाइट को जब मैं जलाऊंगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डायमंड को जब मैं जलाऊंगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. बट इनका स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है. डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट. उसको तो मैं अपनी उंगली से तोड़ सकती हूं, इतना ज्यादा सॉफ्ट है. आई बात समझ में? सो केमिकली दे आर बोथ सेम, क्योंकि ये भी कार्बन से बना है, वो भी कार्बन से बना है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वाइज दे आर डिफरेंट.
ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड. ऑफ कोर्स यार, फूक मार दूं मैं ग्रेफाइट के, पेंसिल के, इतनी हल्की होती है. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच. पेंसिल के हाथ लगाओ सारे के सारे. अब यूं मत बोलना मैडम पेंसिल नहीं है, पेंसिल भी दिला दो. पेंसिल तो होगी ना, तो टच करके देखोगे ना उसकी टिप को, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सी होती है और स्लिपरी सी होती है, ऐसे पकड़ नहीं सकते तुम. जो लेड पेंसिल होती है उसकी लेड पेंसिल भी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है. ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी? ऑल ऑफ यू बताओ, डायमंड कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी? भाई देखो, हम लोग डायमंड की अंगूठी पहनते हैं. अगर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो मान के चलो, अगर मैं किसी गलती से मैंने किसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको हाथ लगा दे, मेरी तो पूरी बॉडी में शॉक आ जाएगा, बिकॉज मैंने तो डायमंड पहन रखा है. डायमंड इज अ गुड कंडक्टर. डायमंड कैन नॉट बी अ गुड कंडक्टर भाई, बुरी हालत हो जाए, कुछ हो ही ना पाए, लोग डायमंड को पहनना छोड़ देंगे अगर डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता. किसी को शॉक नहीं लगवाना अपने. सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो अपनी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, उनको तो हम इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज करते हैं. जो आपका पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें याद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, जिसमें हम वॉटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसमें पेंसिल का ही यूज किया जाता है. ग्रेफाइट रॉड्स, ये शब्द भी सुना होगा आपने. तो ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होती हैं. मैं यहीं पर लिख देती हूं, हेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस. चलिए, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. डायमंड में क्या था, एक पूरा का पूरा डब्बा था और ऐसे कुछ अलग लेयर्स नहीं थी. इसमें क्या है, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होंगी. कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू, ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, कोवलेंटली बॉन्डेड टू थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स. ओ भाई साहब, ओ वेट, ये तो बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आया. कार्बन में क्या था, हर एक कार्बन चार रिश्ते पड़ोसी कार्बन्स के साथ बना चुका था. ग्रेफाइट में क्या है, हर एक कार्बन चार में से बस तीन रिश्ते बनाएगा. यानी कि यहाँ पे जितने भी तुम्हें बॉल्स दिख रही है ना, ये सारी की सारी गोल गोल बॉल्स, ये कार्बन है. यानी कि हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है. जैसे इस कार्बन ने सिर्फ तीन रिश्ते बनाए, इसने सिर्फ तीन रिश्ते बनाए, इसने सिर्फ तीन, तीन 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 रिश्ते बनाए और इनका एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया. अब तुम लोगों ने पढ़ी होगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो पढ़ा होगा है ना, नौवीं में आता है, कब आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसमें तुमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे जो वायर्स होते हैं, हमारे जो तार होते हैं, उसमें करंट क्यों होता है, क्योंकि उस तार में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. तो जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी. ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. कैसे, देख यहां पर ये ना ऐसे अलग अलग लेयर्स में चीजें प्रेजेंट है. जैसे मान के चलो ये आपकी पहली लेयर हो गई, ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, ये आपकी तीसरी लेयर हो गई. सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर. अलग अलग लेयर्स में चीजें प्रेजेंट है, ठीक है. अब इसने यही बोला है, डायमंड में ऐसा कुछ नहीं था. लेयर किस में होंगी, ग्रेफाइट में होंगी. अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं. द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, हर एक कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार में से तीन बॉन्डिंग में शामिल हो गए, बचा कितना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली बच गया. तो ये फोर्थ वाला वही एक खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. सो द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स. जैसे सपोज ये कार्बन है, इसका जो एक खाली इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे होगा. ऐसे ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स के बीच में होंगे, लेयर्स के बीच में होंगे. ऐसे बहुत सारे खाली इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स के बीच में होंगे एंड
फ्री टू मूव अबाउट. फ्री टू मूव अबाउट मतलब वो मूव कर सकते हैं. दे कैन जंप फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, वन लेयर टू अनदर. एंड जब वो ऐसे जंप करते जाएंगे फ्रॉम वन लेयर टू अनदर तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. दैट इज वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड में होता ही नहीं है. डायमंड में कोई खाली इलेक्ट्रॉन है नहीं. डायमंड ने अपने हर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में शामिल कर दिया. अब जब बॉन्डिंग में शामिल हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. तो अगर आप लोगों से पूछा जाए दैट व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको कहना होगा कि ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स. And these free electrons can move, and due to this movement, graphite can conduct electricity. Okay, तो पहला point तो हमने समझ लिया कि graphite electricity को conduct क्यों करता है. अब second point हमें समझना है कि graphite एक अच्छा lubricant क्यों है. Lubricant क्या होता है? जैसे कहीं पर जंग लग जाता है, जैसे cycle की suppose chain बार बार फिसल रही होती है या chain बहुत ज़्यादा tight हो जाती है. बचपन में मेरे साथ होता था तो इसलिए मेरे को पता है. तो उस पर ग्रीस लगाया करते थे. तो ग्रीस क्या है? लुब्रिकेंट होता है. जैसे सपोज हम लोग जब भी कुछ भी काम करते हैं तो हम तेल वेल लगा कर काम करते हैं ना. जब पूरियाँ बनाते हैं तो पूरियों को जब बेलते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत तेल लगाते हैं, तो वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करते. So, lubricant is something जो चीजों के ऊपर जो जंग लगा हुआ है या जो मशीन वगैरह है उनको थोड़ा फास्ट कर दे, उनको थोड़ा स्मूथ वर्किंग कर दे. These free electrons make graphite a good conductor of electricity. अब ये कह रहा है कि जो different layers है ना, जैसे एक ये different layer, एक ये different layer, एक ये different layer, ये आपस में एक दूसरे पर ऐसे स्लाइड हो सकती है, ऐसे स्लाइड हो सकती है. ये ऐसे आपस में एक दूसरे पर ऐसे स्लाइड हो सकती है. एंड ड्यू टू दिस स्लाइडिंग मूवमेंट, ड्यू टू दिस स्लाइडिंग मूवमेंट जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर है. अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये लेयर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती क्या? होती है, बट वीक बॉन्ड्स के वजह से कनेक्टेड होती है. अगर इन लेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते ना तो ये एक दूसरे पर ऐसे मूव ना कर पाती और कहीं भी कुछ ना होता, कहीं लुब्रिकेशन ना हो पाता. इन लेयर्स के जैसे देखो जो ये पीछे तुम्हें डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारे वीक बॉन्ड्स हैं. कौन से बॉन्ड्स हैं? वीक बॉन्ड्स हैं. कार्बन कार्बन के बीच के जो ये है ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ये जितने भी आपको मोटे मोटे बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, ये मोटे मोटे बॉन्ड्स ये हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं. बट जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये हमारे वीक बॉन्ड्स हैं. मैम ये वीक बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हैं? ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं? इनको हम कहते हैं बेटा वॉन्डर वॉल फोर्सेस. अभी नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस नाम याद रख लेना. कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं इसीलिए ये कार्बन एटम्स आपस में मूव नहीं कर सकते, बट ये पूरी की पूरी लेयर इस लेयर के साथ वीक बॉन्ड्स के साथ बंधी हुई है तो ये आपस में एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं. ओके, जैसे ये देखो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड है. ये जितने भी आपको डार्क लाइंस दिख रही है ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. बट ये देख जैसे ये आपस में किससे कनेक्टेड है? वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन से कनेक्टेड है. अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, इसका जवाब आप लोग ना कॉमेंट सेक्शन में जाके देना. अगर वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज होने की बजाय यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते या स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती तो ग्रेफाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता? मैं कह रही हूँ यहाँ पे वीक वॉन्डर वॉल है, बहुत बढ़िया. अगर वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज ना होती तो ग्रेफाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता? यहाँ वीक की बजाय अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो ग्रेफाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता? अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता, या अपनी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी ना शो कर पाता, या बोथ दोनों प्रॉपर्टी ना शो कर पाता? अब इस चीज का आंसर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में देंगे. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में. इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है. उससे बाहर एक भी सवाल तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देती हूँ. बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ, पूछा जाएगा कितने कार्बन प्रेजेंट रहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन में? 60 कार्बन. अब जरूरी नहीं है सिर्फ 60 कार्बन का ही फुलरीन होता है, बहुत सारे कार्बन का होता है, पर हमने सिर्फ C60
60 कार्बन का पड़ा है तो हम उसी पे फोकस करेंगे. इट्स फॉर्मुलाइज C60, सी नीचे 60. बकमिंस्टर फुलरीन फुटबॉल शेप्ड होता है, अभी स्ट्रक्चर दिखा दूंगी मैं, इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स. कितनी हेक्सागोनल और पेंटागोनल होती है ये भी पढ़ लेना. 20 हेक्सागोनल रिंग होती है और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है. मैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल बता देती हूँ. हेक्सागोनल इज हेक्सागन के शेप का होता है, पेंटागोनल इज पेंटागन जिस शेप का होता है. ऐसी और ऐसी रिंग्स होती हैं. स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जैसे ये देखो, एक ये पेंटागोनल रिंग हो गई. मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पेंटागोनल रिंग हो गई आपकी. ये एक पीछे देखो हेक्सागोनल रिंग है. कार्बन काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो 6 कार्बन की रिंग होती है दैट इज हेक्सागोनल, जो 5 कार्बन की रिंग होती है दैट इज पेंटागोनल. जैसे एक पेंटागोनल ये रही, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक मेरी पेंटागोनल रिंग हो गई. उसके बाद और कहाँ पर है, एक ये पेंटागोनल हो गई मेरी, 1, 2, 3, 4, 5. सो ऑल आई कैन सी इज अ लॉट ऑफ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल. एक हेक्सागोनल ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो एक ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पेंटागोनल रिंग भी है एंड हेक्सागोनल रिंग भी है. पेंटागोनल इज 5 कार्बन की, 1, 2, 3, 4, 5. हेक्सागोनल इज 6 कार्बन की. हो गया, समझ में आ गया. तो यहाँ पे जो हमारा एलोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट था अब वो खत्म हो रहा है. ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर. अब ये देखते हैं क्वेश्चन टू. अच्छा ये क्वेश्चन टू, क्वेश्चन वन अपना शायद स्किप हो गया है. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेफाइट इज बर्नड इन एयर. चलो अभी इसको इसको वन ही मानो, इसको वन मानो यार. टू वाला शायद अपना रह गया होगा पीछे. व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेफाइट इज बर्नड इन एयर. अगर मैं ग्रेफाइट को जलाऊंगी तो मुझे क्या होगा, इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू डायमंड, या फिर नन ऑफ दी अबव. जल्दी से सारे के सारे इसका जवाब देना, कमेंट सेक्शन में जवाब देना. मैं अभी आंसर बता ही नहीं रही, तुम लोग मेरा कॉपी करते हो और फिर आंसर नहीं देते हो. नॉट इन द लाइव चैट प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन, वरना मैं देखूंगी कैसे कि मेरे नलायक पढ़ क्या रहे हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को. अब ये है एक असर्शन रीजन, ये मैं क्लास में ही डिस्कस कराऊंगी, तो पढ़ो एक बार इसको. असर्शन में क्या लिखा है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. रीजन में क्या लिखा है, सम एलिमेंट्स कैन हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म while in the same physical state. देख, same physical state, these differing forms are called allotropes. जल्दी से बताओ, पहले चेक करो assertion correct है या नहीं, फिर चेक करो reason correct है या नहीं, फिर मुझे बताओ कि reason जो है वो assertion का correct answer है या नहीं. इसको भी as a homework दे दूँ, करके आओगे? ऐसे कैसे नहीं करके आओगे, आओगे. चलो तो तुम लोग इतना कह रहे हो तो इसको एज अ होमवर्क दे देते. तो भाई ये भी आपका होमवर्क है, इसको करके आना है और कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोगों का सही जवाब देना है. सोचना इस पे थोड़ा, असर्शन चेक करो, रीजन चेक करो, फिर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये चेक कीजिएगा आप. ओके, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे. यस, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे. उसके बाद हम एल्केन्स में पढ़ेंगे, एल्कीन्स में पढ़ेंगे एंड एल्काइन्स में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अटरली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो तुम्हारे जितने भाई बंधु हैं जिनको इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में या कोवलेंट बॉन्डिंग में दिक्कत आई है उनको बुला लाना और कर देंगे क्लियर. ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन. आए तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करी, लेट्स होप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करी होगी. तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय. एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी तारीफें लिखनी है कमेंट सेक्शन में भर देना. ठीक है, बाय बाय.